हम जाते हैं। हाँ जी चलिए। सो दिस इज योर लेक्चर नंबर फोर्थ। प्रोजेक्टाइल मोशन ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ पार्ट हमने पिछली बार कवर किया था और रिमेनिंग आज हम कंप्लीट कर देंगे। आपका क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स नीट से रिलेटेड आपकी तैयारी चल रही है और आज डेट कितना है 14th of November. चलिए सो आज का क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। पिछली बार हमने किया था प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। आपने कोई हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्शन किया था और इस तरीके का आपने मोशन स्टडी किया। आज हम करेंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट। किसी हाइट से अगर आप फेंक रहे हैं, हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं, किसी एंगल पे फेंक रहे हैं या नीचे ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये जो चीजें हैं इनको आज आप डील करना सीखोगे। उसके बाद आपके पास आती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जो ये पाथ लेता है उसकी एक इक्वेशन होती है और उसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं, तो हम ये सेकेंड पार्ट कवर करेंगे। फिर प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन, जिसमें दो आते हैं टॉप टू डाउन एंड डाउन टू टॉप, ये दोनों हम डिस्कस करेंगे। एक आपको अच्छे से समझना है, दूसरा बिल्कुल उसका कॉपी है, बस एक कॉम्पोनेंट चेंज हो जाता है। सो पर्पज लेक्चर का क्या रहेगा, बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन। जितने भी टाइप्स है मेजर मेजर सब कवर हो जाएंगे आज हमारे, ठीक है। कुछ हम पहले कर चुके हैं, कुछ आपके कवर हो जाएंगे। सो फटाफट से मुझे बता दो लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस हो चुका था। एनीवन? डिंपल? डिंपल है ना क्लास में? यस मैम। डिंपल बताएंगे क्या क्या हुआ था बेटा, शुरुआत कहाँ से की थी हमने। चलो मैं आपकी हेल्प करती हूँ। हमने सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन का इंट्रोडक्शन किया था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके डायग्राम को समझा था। डायग्राम इन द सेंस लाइक मतलब अगर आप थ्रो कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या आपके कंपोनेंट्स आते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है, वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, रेंज क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, एच मैक्स क्या है, कौन सा कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, कौन सा रहता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल आपके पास ऊपर जाते हुए घटती है, टॉप पे जाकर जीरो होती है, देन दोबारा से बढ़ने लगती है, जब वो हिट करती है तो उसी वेलोसिटी के साथ हिट करेगी जिससे उसको थ्रो किया गया था, क्योंकि हम एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करते हैं और यहाँ पर उसी एंगल के साथ ही एंटर करती है। जैसे ये थीटा है तो ये थीटा हो गया, ठीक है। इसके भी आप दो कंपोनेंट्स कर सकते हो फाइनली जब वो हिट करती है, ठीक है। ये पूरा हमने डिटेल में समझा था। इसके बाद इससे रिलेटेड हमने टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको पूरा डिटेल में समझा था। रेंज, हाइट मैक्सिमम, इनके फॉर्मूलेज डिस्कस करे थे। क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट का बताओ? मैम 2u sin theta by g। ग्रेट। रेंज का क्या होता है बेटा? u square sin 2 theta by g। sin 2 theta को क्या लिख सकते हो आप? 2 sin theta cos theta। यस। h max क्या होता है? u square sin square theta by g। ग्रेट। सो आपको सबको याद है, आज सभी पढ़ के आए हैं, वेरी गुड। सो इसके बाद हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करे थे और एक कॉन्सेप्ट और हमने डिस्कस किया था। क्या मिस कर रहे हैं बताओ? रेंज मैक्सिमम डिस्कस की थी। यस मैम। मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे होगी? 45 डिग्री। याद रखिए थीटा किसके साथ है? विद हॉरिजॉन्टल। अच्छा आपसे यहां पर एक सवाल पूछ सकते हैं, क्या आपके पास थीटा इक्वल्स टू, जैसे जैसे अगर हम मान लीजिए लॉन्च एंगल को चेंज करते हैं तो क्या क्या चीजें चेंज होती हैं? जैसे मान लो आपने पहले लिखा 30 डिग्री, फिर आपने लिखा 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री। सो आर टी और एच में क्या क्या चीजें चेंज होती हैं बेटा? सभी चेंज होता है, राइट? यस मैम। आपको 45 डिग्री पे क्या मिलता है? मैक्सिमम, मैक्सिमम रेंज। अगर दो प्रोजेक्टाइल में लेती हूँ और दोनों का इनिशियल वेलोसिटी मैं सेम रखती हूँ तो थीटा एंड 90 माइनस थीटा के ऊपर क्या मिलता है? सेम रेंज। सेम रेंज, ठीक है। सो इससे रिलेटेड हमने सारी चीजें डिस्कस करी थी। एम आई मिसिंग समथिंग या सब कवर कर दिया मैंने इस पे? मैम यू ऑलरेडी हैव कवर्ड। ओके ग्रेट। चलिए फिर आगे चलते हैं। आपको कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए थे,
उसी से रिलेटेड अब आपका छोटा सा क्विक टेस्ट है, तो फटाफट से बताओ, अ बॉम्ब इज फायर्ड फ्रॉम अ कैनन विद अ वेलोसिटी ऑफ 1000 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बॉम्ब टू रीच एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो जिसने नहीं किया है गिव इट अ ट्राई, 2 मिनट आपको मिलेंगे हर क्वेश्चन के लिए, और अगर ट्राई कर लिया तो आप अपना आंसर मैच करेंगे। चलिए 38 है, 40 पे हम लोग डिस्कस करेंगे, फटाफट से सॉल्व कीजिए। सो एक आंसर हमारे पास आया है डी, बाकी सभी एग्री करते हो? यस मैम। शिवम का बी आया है, बॉम्ब इज फायर्ड फ्रॉम अ कैनन, कैनन मतलब ऐसे एक तोप होगी, ठीक है, यहाँ पर इसका स्टैंड लगा हुआ है, एक बॉम्ब को फायर किया गया इस तरह, कितनी स्पीड से? 1000 मीटर पर सेकंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, तो हम लोग ये एंगल ले लेते हैं, ये हो गया 30 डिग्री। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बॉम्ब टू रीच एट द हाईएस्ट पॉइंट, सो डिंपल बताएंगे कैसे किया बेटा? मैम टी बाय 2 इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा बाय जी वाला फॉर्मूला। ओके, सो आपने लिया है टाइम ऑफ लाइट का आधा, ठीक है, आपने क्या किया यहाँ से पूरा टाइम निकाल लिया, उसको आप बोलते हो टाइम ऑफ फ्लाइट, लेकिन हमें पूरा टाइम नहीं निकालना था, हमें कहां तक का निकालना है, हाफ जर्नी का निकालना है, और एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड है तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 2t, ठीक है, आपके पास एच मैक्सिमम तक पहुंचने वाला टाइम, ठीक है, यानी आपके पास टी आपको निकालना है, तो टी बाय में कैपिटल टी बाय में 2, सो टी कैपिटल टी हमारे को पता है क्या होता है, 2u साइन थीटा बाय में जी इंटू में ये आ गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओके, यू आपके पास है 1000, साइन 30 कितना होता है 1/2, जी आपके पास क्या है 10, सो ये आपके पास कितना आंसर बच गया 50 सेकेंड। सो जिसने डी ऑप्शन दिया है शिवम, करेक्शन कर लीजिए बेटा, आपका आंसर क्या करेक्ट है, 50 सेकेंड, क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, क्या किया गया है, एक स्टोन को प्रोजेक्ट किया गया है कितना एंगल पे, 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, इसका कितना स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, इट क्रॉसेज अ वॉल आफ्टर 3 सेकेंड, ये जो स्टोन है ये 3 सेकेंड के बाद इसको क्रॉस कर लेगा, पूछा गया है हाउ फार बियॉन्ड द वॉल द स्टोन विल स्ट्राइक द ग्राउंड, सवाल ये है कि इसके आगे इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है जब ये हिट करेगा वहां, तो जब ये हिट करेगा तो ये चीज आपको निकालनी है, एक्स, स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, इट क्रॉसेज अ वॉल आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद वो क्रॉस कर देगा, वॉल के आगे अब वो कितना गया है जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, सो एक आंसर हमारे पास आया, बाकी सभी बच्चे ट्राई कीजिए बेटा, एक अच्छा क्वेश्चन है, करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, आपका कोई अलग तरीका भी हो सकता है, बाकी भी बताइए, सुहाना और कोमल ने तो अपना आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे मोहम्मद एहसान, प्रीति, प्रिंस, सुगंधा, सुहाना, खुशबू, चलिए अभी कोशिश कीजिए, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, एक बार कोशिश करो उसको, तो इससे ये पता लग रहा है कि सभी बच्चों ने होमवर्क क्वेश्चंस नहीं किए हैं, ठीक है, तो 5 क्वेश्चन होते हैं बेटा, उनको ट्राई कर लिया करो, उससे क्या है कि
चलो ज्यादा अगर नहीं कर पाए बट आपकी क्लास में जो कॉन्सेप्ट हुए वो रिवाइज हो जाते हैं। सो क्वेश्चंस जो होते हैं उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर होते हैं, तो आपको इधर उधर जाने की भी जरूरत नहीं है। पांच सात क्वेश्चन अगर आप करेंगे लेक्चर से रिलेटेड तो आपको चीजें याद रहेंगी। चलिए अभी कीजिए। अंकित किया नहीं मैम? थर्ड आया है प्रिंस का। ओके डिंपल का है टाइम 5 सेकेंड स्टिल कैलकुलेटिंग। ओके करो करो ठीक है टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकेंड ही आए हो। गौरी का आंसर आ गया 86.6। तुम्हारे पास कितने आंसर्स आए? कितने बच्चों ने किया है? 1 2 3 4 क्लास में बच्चे कितने हैं? अभी देख लो कितने बच्चे ट्राई कर रहे हैं। आयुष बेटा निकाला प्रिंस यस प्रिंस का भी आ गया था 5 6 6 स्टूडेंट्स ने अभी रिप्लाई किया है 7। ओके 8 9 टॉप 10 देखते हैं कौन है 10th कौन होगा। अंजलि ठीक है देखो आपका रैंकिंग भी आ गया क्लास में किसने पहले निकाला है। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है 86.6। तो अभी देख लेते हैं। देखिए मैंने ये सवाल देखा जब मैंने कैसे किया था और आपने कैसे किया उसमें कंपैरिजन कर लेना। जैसे कि मैंने क्या किया यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लिया मुझे पता है टाइम कितना है 3 सेकेंड है और यहां से यहां तक का रेंज निकाल लिया। तो ये जो डिस्टेंस है कंप्लीट रेंज में से अगर मैं ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दूं जो मैंने ऊपर ये ड्रॉ किया येलो में तो मेरे पास एक्स आ जाएगा। ठीक है तो आप क्या कर सकते हैं इस वेलोसिटी के कॉम्पोनेंट्स ले सकते हैं। इधर कितनी होगी बेटा ux कितना आएगा आपके पास 50 cos 30 एंड 50 cos 30 किसके बराबर होगा 15 to cos 30 कितना होता है व्हाट इज रूट 3/2 मैम रूट 3/2 यानी आप इसको लिख सकते हो 25√3। ठीक है अब आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता वो कांस्टेंट है तो यहां से x से y तक का जो ये डिस्टेंस है आपके पास टाइम भी है और आपके पास क्या है वेलोसिटी भी है। तो डिस्टेंस क्या होता है आपके पास स्पीड इनटू में टाइम। आपका सवाल हो सकता था मैम कहाँ है हमारे पास टाइम जितनी देरी में बेटा ये यहां से यहां पर पहुंचेगा उसने यही बोला ना सवाल में कि वो वॉल को क्रॉस करेगा 3 सेकेंड में तो वो जो है डिस्टेंस हमने नीचे ऐसे प्रोजेक्ट कर लिया उतनी ही देरी में तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये याद रखो ये एच मैक्सिमम नहीं है ये जो पॉइंट है दिस इज नॉट एच मैक्सिमम। ये नहीं पता हमको एच मैक्सिमम है कहीं बीच में 3 सेकेंड में जब तक वो यहां पहुंचे उतनी देर में ये डिस्टेंस जो कवर किया है तो टाइम तो 3 ही रहेगा। तो यहां से हमने क्या किया स्पीड जो आई थी मेरे पास 25√3 मल्टीप्लाई बाय में 3 तो कितना हो गया 75√3। तो ये जो डिस्टेंस है एक्स वाई ये आपके पास आ गया 75√3। इसको ऐसे ही रख लेते हैं। उसके बाद आप रेंज निकाल सकते हो। रेंज क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में जी। सो यू आपको दे रखा है कितना 50 यानी 50 का स्क्वायर इनटू में साइन 2 थीटा यानी साइन 60। साइन 60 कितना होता है √3/2 इनटू में जी यानी कि 10। ठीक है तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 2 1 ये 25 ये 125√3 आ जाएगा। तो अगर मैं 125√3 में से ये 75√3 माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास एक्स की वैल्यू नहीं आ जाएगी जो मुझे निकालना था यस और नो? ये डिस्टेंस क्या है यही तो निकालना था हमको। तो आप रूट थ्री कॉमन ले सकते हैं 125 माइनस में 75 कितना हो गया बताओ
50 root 3। और आप root 3 की value 1.702 put करेंगे तो आपके पास आंसर बनेगा 86.6 meter। तो एक तरीका तो है ये। दूसरा तरीका ये है कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो कि जब ये हिट करेगा या स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को वहां तक का आप टाइम निकाल सकते हो t is equal to 2u sin theta by में g करके, तो आपके पास आई थिंक 5 सेकंड आ रहा होगा जो डिंपल ने निकाला था, ठीक है। अब आप उसमें से क्या कर सकते हैं, 3 सेकंड माइनस कर दीजिए, बची हुई जर्नी का टाइम कितना है, 2 सेकंड। उस 2 सेकंड को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से, क्योंकि आपका 2 सेकंड में भी तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम ही रहेगी ना। तो आपके पास ux कितना आया था, 25 root 3, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे 50 root 3 बन रहा है, देखो सेम बन रहा है ना। और 50 root 3 क्या होता है, 86.6 meter। क्लियर है सबको। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो 5 सेकंड, उसमें से आपने जब तक वो वॉल को क्रॉस कर लेता वो टाइम कितना था, 3, तो उसमें से आपने माइनस कर दिया 3, बची हुई जर्नी का टाइम कितना रह गया, 2। तो जितने देर में वो वॉल से नीचे ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा उतनी देर में जो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 2 सेकंड में ही किया है, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन सबको? यस मैम। ठीक है आगे चले। चलिए एक क्वेश्चन और बताइए फिर, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन ही है। अ बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा टू द वर्टिकल एंड द रेंज इज मैक्सिमम, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट थीटा इज 1 1 मैम। हालांकि इन्होंने बोला है गुड वर्टिकल, ठीक है। मान लो आपने यहां से कुछ थ्रो किया है तो ये जो है ये इन्होंने बोल दिया थीटा। आपको पता रेंज मैक्सिमम होती है विद ग्राउंड, इसको मान लो अल्फा, अल्फा आपके पास 45 डिग्री होगा जिसपे रेंज मैक्सिमम होगी, पर 90 माइनस 45 करोगे तो ये भी 45 डिग्री ही आएगा ना। सो आपके पास टेंजेंट 45 कितना होगा, 1। तो कई बार क्वेश्चन आपको विद हॉरिजॉन्टल भी शायद कोई एंगल देके ये पूछ सकते हैं कि अब इसका बताओ वैल्यू कितना होगा। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है चलिए फिर आगे चलते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो अभी आपने देखा कि जो आपने थ्रो किया एक प्रोजेक्टाइल को विद सम वेलोसिटी एट सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल, तो कुछ वो पाथ ऐसे लेता है, ठीक है। आप कहीं से भी देख लीजिए, मान लो हाइट से भी आप फेंक रहे हो तो भी कुछ ऐसा पाथ जा रहा है। मान लो आपने सीधा ऐसे ही फेंक दिया, हाइट पे जाके हॉरिजॉन्टली फेंक दिया, तो भी आपके पास पाथ कुछ ऐसा ही होता है। ये आधा आधा जो है पैराबोला हो गया, लेकिन ये जो आपको जितने भी चीजें दिखाई दे रही है क्या है, पैराबोला। जैसे सर्कल, आप तो खैर मैथ्स नहीं है आपके पास, लेकिन जैसे सर्कल है, सर्कल की भी एक इक्वेशन होती है, x² + y² = 1 ऐसे करके, ठीक है। तो वैसे ही पैराबोला की भी एक इक्वेशन होती है कि आपको कैसे पता कि ये पैराबोलिक पाथ है, हमें नहीं पता ना। ये तो चलो हम अभी हम देख पा रहे कि भाई ये वाली जो शेप्स होती हैं, ये वाली जो शेप है, मान लो ये एक्स और वाई एक्सिस में है या ऐसे कुछ है, ठीक है, या फिर आपके पास हो सकता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में पैराबोला खुला, तो ये शेप्स होती है पैराबोला। तो हमारे प्रोजेक्टाइल की जो पाथ है वो जो है वो पैराबोलिक पाथ होती है। तो कैसे पता लगा पैराबोला है, तो उसकी हमने एक इक्वेशन डराइव की जिसको देख के हम बोलते हैं कि हमारे पास ये पैराबोलिक पाथ है। वो इक्वेशन क्या होती है, वाई जो है, ये वाई एक्सिस हो गया, एक्सिस हो गया, वाई शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ अगर आ जाता है इक्वेशन में तो हम बोलते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है वो पैराबोलिक पाथ है। तो ये चेक करते हैं हम लोग, इसमें क्या करते हैं हम लोग, टाइम की टर्म को एलिमिनेट करते हैं, टी की टर्म को हटाना है हमको, ठीक है। हम क्या करते हैं कि भाई एक्स की वैल्यू पुट करें वाई की वैल्यू आ जाए, कुछ भी एक्स की वैल्यू पुट, मान लो ये मैंने एक्स की वैल्यू पुट करी वाई की वैल्यू आ गई। जैसे इसमें भी अगर हम देखें, इसमें मान लो मैंने एक्स की वैल्यू ये पुट की तो मेरे पास वाई की वैल्यू आ गई, मैंने एक्स की वैल्यू ये पुट की वाई की वैल्यू आ गई, और फिर मैंने उन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो मेरे पास एक कर्व मिल गया, ठीक है। तो टाइम को हम एलिमिनेट करते हैं, एक्स और वाई में हमें इक्वेशन रखनी है। समझ में आई बात सबको? अब हम इसमें करेंगे कैसे ये टाइम टर्म, देखिए पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन, उसको हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, जो भी वो पाथ फॉलो करती है। इक्वेशन ऑफ दिस ट्रेजेक्ट्री क्या है आपके पास, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है, एक रिलेशनशिप है एक्स और वाई के बीच में, इज द रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस कोऑर्डिनेट्स हियर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल, एक्स और वाई में एक रिलेशनशिप देख रहे हैं हम। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में देखा, मान लो आपके पास ऐसे ही आपने एक प्रोजेक्टाइल लिया और उसको विद सम इनिशियल वेलोसिटी यू एट एंगल थीटा थ्रो किया, कोई भी t
टी टाइम लेते हैं, जनरल टाइम टी, स्मॉल टी टाइम ले लिया कि उस समय पे ये यहां पहुंच गया है। तो यहां पर जब ये पहुंचा है तो इसने एक्स डिस्प्लेसमेंट लिया हॉरिजॉन्टली और इसने वाई डिस्प्लेसमेंट लिया है वर्टिकली, ऐसा मैंने मान लिया। कितने टाइम में, कितने टाइम में बेटा? ठीक है, यस, कोई कुछ बोल रहा था? ओके, सो अब टी टाइम के अंदर ये डिस्टेंस को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी। ये यू के मैंने दो कॉम्पोनेंट कर लिए, इधर आपके पास यू एक्स आ गया और इधर आपके पास क्या आ जाएगा, यू आई। तो स्पीड इनटू में टाइम, क्या आपके पास एक्स नहीं बनेगा भाई? इस डायरेक्शन में मेरे पास जो स्पीड है वो यू एक्स है और टाइम टी है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास एक्स आ जाएगा ना, यस और नो? यस मैम। ठीक है, यू एक्स की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, दिस इज यू कोस थीटा, सो आपके पास इक्वेशन नंबर वन आ गई, यू कोस थीटा इनटू में टी। ऐसे ही वर्टिकल डायरेक्शन की हम एक इक्वेशन निकाल सकते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में आप क्या लिख सकते हो, आपको पता है कि इक्वेशन होती है S equals to ut plus में half at square। मैंने मोशन कंसिडर किया y डायरेक्शन में, ठीक है, तो s मेरे पास डिस्प्लेसमेंट कितना इन टाइम t इन y डायरेक्शन, y है, इस तरफ वेलोसिटी कितनी है, uy है, इनटू में टाइम t माइनस में हाफ g t स्क्वायर। अब uy की वैल्यू आपने पुट कर दी u sin थीटा, टाइम को मैंने t ही रखा, हाफ g t स्क्वायर। अब मुझे इन दोनों इक्वेशंस में से t की टर्म को एलिमिनेट करना है, तो मैं क्या यहाँ से t की वैल्यू x by u cos थीटा पुट नहीं कर सकती सेकंड इक्वेशन में, हट जाएगा ना t सेकंड इक्वेशन में t की जगह पर। अगर मैं यहाँ से t की वैल्यू x by में u cos थीटा पुट कर दूं तो हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये पुट कर रखा, देखो y is equal to u sin theta, t की जगह पुट कर दिया x by u cos theta, इसमें पुट किया हुआ सेकंड इक्वेशन में, माइनस में हाफ g t square है, x by में u cos theta का square, तो आपके पास जो equation बनती है, इसको आप बोलते हो equation of trajectory of projectile motion, जो कि आपको याद रखनी है, इसको आपको learn करना है, क्योंकि आपको अगर सवाल मिलता है ना, तो आपको कोई एक equation दे देंगे और आपको उस equation को इस equation के साथ compare करना होगा और आपको time of flight, h maximum, range ये सब निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो दो बार हम बोलेंगे साथ में, y क्या है, x tangent theta minus में g x square by में 2 u square cos square theta। बोलिए बोलिए, y इक्वल में x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर 2 u स्क्वायर cos 2 थीटा। ठीक है, क्लियर है सबको? इस इक्वेशन को आप पैराबोलिक इक्वेशन हम क्यों बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर y जो है, एक y की टर्म है और एक x स्क्वायर की टर्म आ गई, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ है वो पैराबोलिक पाथ है। यही बोला था ना मैंने आपको स्टार्टिंग में, कुछ ऐसी अगर बात बन जाए y is directly proportional to x square, तो हम बोल देंगे कि पैराबोलिक पाथ है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अभी इसी इक्वेशन के ना दो तीन फॉर्म्स और होते हैं जो कि आपको याद करने चाहिए, अगर आप पेपर में जा रहे हैं तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है? अभी देखते हैं इसके और फॉर्म क्या रहता है। जैसे वन बाय में cos square theta, इसको आप क्या लिख सकते हो, वन बाय में कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, सिकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने रख दिया सिकेंड स्क्वायर थीटा, अगर मैं पुट करती हूँ, जैसे मेरी इक्वेशन में यहाँ लिखूं, मेरी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस में जी बाई टू एक्स स्क्वायर ऊपर बाय में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सही लिखी है बताओ? यही आई थी ना? इसके अंदर मैंने क्या किया, वन बाय कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने पुट कर दिया sec स्क्वायर थीटा, और इसको आप क्या लिख सकते हो, वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो ना? यस मैम। ये मैंने पुट कर दिया, एक आपके पास फॉर्म हो गई ये, अगर आपको ऐसी कोई फॉर्म दिखे तो समझ जाना कि उन्होंने क्या कर रखा है, वन बाय कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर रखा है। क्लियर है सबको? अब दूसरी फॉर्म जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये वाली, इसमें इन्होंने क्या किया, इसी इक्वेशन के अंदर जैसे यहाँ लिखी भी हुई है इन्होंने y is equal to x tangent theta minus में g x square by में 2 u square cos square theta, इसमें क्या किया इन्होंने, x tangent theta common ले लिया दोनों में से। अब जैसे ही आप x tangent theta common लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, वन माइनस में, यहां से x tangent theta अगर आप common लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, एक तो ये नहीं आएगा यहाँ पे, एक x तो बाहर चला गया, और tangent theta मैंने denominator में लिख दिया, अगर मैं x tangent theta को इस टर्म से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास यही टर्म बन जाएगी। तो ये वाला फॉर्म देखो, अगर किसी को कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो बताओ, आपने क्या किया, x tangent theta कॉमन ले लिया, ठीक है, फर्स्ट की जगह तो बच गया वन और सेकेंड की जगह में tangent theta नीचे आ गया और एक x कम हो गया,
सबको ये बात समझ में आ गई तो थम्स अप कीजिए प्लीज. ओके अब देखिए यहाँ पर क्या किया, आप टेंजेंट थीटा को ओपन कर सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो एक कॉस थीटा तो कट जाएगा, एक कॉस थीटा बचेगा और एक साइन थीटा बचेगा, टू यू स्क्वायर, ऊपर बच गया जी एक्स. अभी देखो टू साइन थीटा कॉस थीटा आपको साइन टू थीटा लग रहा है, लग नहीं रहा है, तो अभी देखिए क्या बन रहा है, जी एक्स बाय में यू स्क्वायर साइन टू थीटा. अगर आप देखें तो क्या ये आपके पास रेंज का उल्टा नहीं है, रेंज क्या होती है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, राइट, और ये क्या आपके पास वन बाय आर, ठीक है, तो इसकी जगह पर आपने पुट कर दिया वन बाय आर, तो इसमें कुछ भी बात समझ में नहीं आई तो बताओ, ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन बनता है एक्स टेंजेंट थीटा इंटू में वन माइनस में एक्स बाय आर, और इसको आप याद रखेंगे क्योंकि आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे बेटा, ठीक है, अगर बोर्ड वगैरह में आता है तो ये आपको करना आना चाहिए कि क्या चीज कॉमन लेनी है, वो डेरिवेशन वहां पर इंपॉर्टेंट है, बट आपके नीट के पेपर के लिए आपको एक्सप्रेशन याद होना चाहिए. आपको रेंज पता है, रेंज क्या होती है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय में जी. यहाँ पर मैंने देखा कि ठीक है यू स्क्वायर भी दिख रहा है, साइन टू थीटा भी दिख रहा है, ऊपर जी भी है, तो एक्चुअली में वो रेंज का उल्टा है, ठीक है, आप यहां से उठा के इस जी को यहां पर भी तो लगा सकते हो ना इसके नीचे, तो क्या बच जाएगा एक्स बाय में आर. क्लियर है सबको? यस मैम. वाई इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा इनटू में वन माइनस एक्स बाय आर. तो न्यूमेरिकल्स जब भी डील करोगे तो आप कंपेयर कर सकते हो, जैसे आप ये वाली इक्वेशन भी चेक कर सकते हैं कंपैरिजन के लिए, आपको लग रहा है कि भाई डायरेक्ट मेरा इजीली इससे भी बन रहा है तो आप ये वाली भी इक्वेशन यूज कर सकते हो. जैसे इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय में टू, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, अब आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए, बताओ मुझे इक्वेशन क्या थी, y is equal to पहले वाली जनरल x tangent theta minus g x minus g upon 2 x square upon में u square cos square theta. तो यहाँ से भी आप कंपेयर करके देख सकते हो कि x के साथ जो है वो 1 ही है यहाँ पे, और यहाँ पर क्या है x के साथ tangent theta, यानी tangent theta किसके बराबर है हमारे given equation में 1 के बराबर है, और tangent theta कौन से एंगल पे 1 होता है, 45 बस आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए थी, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री. डन? यस मैम. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मैंने होमवर्क में पिछले वाले जो लेक्चर था उसमें भी एक दो क्वेश्चन डाले थे, वो भी चेक करना और आज वाले में भी चेक करना, ठीक है. चलिए अब आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन जो है आपको अलग अलग तरीकों से मिल सकता है, हो सकता है सिर्फ आपसे टी पूछ ले, हो सकता है एच पूछ ले, आर, या तीनों पूछ ले, मैच द फॉलोइंग करके आपको सारे दे रखे हो, तीन चार ऑप्शंस, टी एच आर इधर दे दिया, थीटा भी दे दिया, मान लो आपके पास थीटा भी है, यू भी है, ऐसे आपको टेबल बना के दे देंगे यहाँ पर टी एच आर थीटा यू, और यहाँ पर जो उनके आंसर्स हैं अलग अलग लिख देंगे, आपको पूछ सकते हैं कि मैच कीजिए इसको, ठीक है. सो और सिंगल सिंगल भी कर सकते हो, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए अब इसमें क्या करना है हमको. आपको दिखाई दे रहा है y is equal to ax minus में bx square. एक इक्वेशन तो मैंने लिखी हुई, आप ये भी यूज कर सकते हैं. दूसरी क्या थी, y is equal to x tangent theta हम कॉमन लेते हैं, वन माइनस में x बाय में r, ठीक है. तो अगर मैं यहां से ax कॉमन ले लू इक्वेशन से, y is equal to ax मैंने कॉमन ले लिया, तो वन माइनस में क्या बचेगा बताओ, x बाय में ये आएगा बी बाय ए, यही आएगा. जैसे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो देखो यही बन रहा है ना, ax मल्टीप्लाई कीजिए इस टर्म से, सो a से a कटेगा, बी एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ठीक लिखा है, आप इसको ऐसे भी लिख yes, ma'am. ax वन माइनस में x बाय में a बाय बी, ऐसे लिख दू, कोई गड़बड़, अब बन गया ना, सेम फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा, यस मैम, सेम भी नहीं सिमिलर बोलेंगे, सेम तो मतलब एग्जैक्ट सेम हो जाता है, सिमिलर. सो अब यहां से आपको दिखाई दे रहा है, एक तो मेरा सीधा टर्म आ गया, रेंज कितना है, रेंज ए बाय में बी, ये आपके पास आंसर नंबर वन हो गया, रेंज हमने निकाल लिया, ठीक है. अब मुझे निकालना है एच, एच निकालने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे फॉर्मूला पता है, सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं, एच होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में टू जी,
इसको डिवाइड कर देते हैं रेंज के फॉर्मूले से. रेंज होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय में जी. काटिए जरा इसको, क्या क्या कट रहा है. जी से जी कट रहा है, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर भी कट गया. सो आपके पास आ रहा है एच बाय में, आर की वैल्यू भी पुट कर देते ए बाय बी, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाय में साइन टू थीटा. कितना बनेगा बेटा बताइए. एक साइन थीटा तो ऊपर बचेगा, ठीक है, नीचे बचेगा आपके पास टू कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, और एक टू आपके पास ये बच गया इनटू में टू. सो यहां से अगर हम सॉल्व करें एच की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ए बाय बी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया और यहाँ पर फोर आ गया. एंड साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या है, टेंजेंट थीटा. भी आप कंपेयर करके बताओ, बताओ क्या है टेंजेंट थीटा. यहाँ से भी अगर हम कंपेयर करें टेंजेंट थीटा किसके बराबर है, यहाँ पर ए पुट कर दे, कितना आ गया ये ए स्क्वायर बाय में फोर बी. ये आपके पास एक आंसर आ गया. आपने क्या किया, सिंपली एच का फॉर्मूला आर का फॉर्मूला लिखकर डिवाइड करा, आर की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे वो पुट की, टेंजेंट थीटा भी हम ऑलरेडी निकाल चुके वो पुट कर दिया, ठीक है. अब किसकी कहानी रह गई, देखो थीटा हो गया हमारे पास, एच हो गया हमारे पास, आर हो गया हमारे पास, नेक्स्ट है यू. अगर आपको निकालना, देखो यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, या इस इक्वेशन से भी आप कंपेयर कर सकते हो. देखो यहाँ पर आपके पास एक टर्म आ रही है यू स्क्वायर, आ रही है नहीं आ रही है, इसको देखो यू, आप इसको पूरे को कंपेयर कीजिए, एक्स स्क्वायर के अलावा छोड़ दीजिए बाकी सारी चीजें. बी इज इक्वल टू जी बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. सो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं यू स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, ये बनेगा जी बाय में टू बी कॉस स्क्वायर थीटा. अब मुझे बताओ क्या करूं मैं, कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए मुझे, क्या कर सकते हैं हम लोग. कॉस थीटा की, देखो टेंजेंट थीटा पता है ना आपको, यहाँ पर देखिए टेंजेंट थीटा आपने निकाल लिया, टेंजेंट थीटा कितना था बताओ, ए था. yes, और टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है कि नहीं होता है. यस मैम. यानी इसको आप लिख सकते हो ए बाय वन. कॉस थीटा चाहिए, कॉस थीटा होता है बी बाय एच, तो मुझे हाइपोटन्यूज चाहिए. सो यहाँ इसको देखिए, हाइपोटन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में वन कर दू, हाइपोटन्यूज कितना हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वन, बेस कितना है वन. सो यहाँ पर अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाले, बेस मेरे पास वन है, हाइपोटन्यूज है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में वन, ये आ गया. अब एक्सप्रेशन में ये हमें पुट करना है, जी बाय में टू बी कॉस स्क्वायर थीटा कितना आया था, कॉस थीटा वन बाय में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वन, इसका स्क्वायर करना है. तो यहाँ पर आप पुट करेंगे वन बाय में ए स्क्वायर प्लस में वन बच जाएगा बेटा. तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, ऊपर जाके इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप लोग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में वन. तो ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा. एक बार चेक कर लीजिए हमने क्या किया है. देखिए हमने ये वाली इक्वेशन ली, इससे हमने कंपेयर किया एक्स स्क्वायर के साथ में जो था बी, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में मुझे दिखाई दे रहा है यू है, और मुझे ये भी पता है कॉस थीटा है, बट मेरे पास टेंजेंट थीटा ऑलरेडी सीधा सीधा निकल रहा था, टेंजेंट थीटा से पी और बी निकल गया, वहां से एच निकाल लिया. अब कॉस थीटा निकालना हो, साइन थीटा निकालना हो, मैं सब कुछ निकाल सकती हूँ, ठीक है. यहाँ पर मैंने इसको कंपेयर किया और यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, उसके अंदर कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दी, कॉस थीटा की वैल्यू आई थी वन बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वन. नीचे डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा था, तो नीचे आप लिखेंगे वन बाय में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वन. अब वो वन बाय में समथिंग डिनोमिनेटर में है, तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो जी इंटू में ए स्क्वायर प्लस वन बाय में टू बी. किसी को कोई डाउट है इसके अंदर. सुहाना पूछ रहे थे सेकंड वाला, सेकंड वाला बेटा कुछ नहीं किया, पहले हम लोगों ने रेंज निकाल ली और हम लोगों ने टेंजेंट थीटा निकाल लिया था सीधा इस इक्वेशन से कंपेयर करके, और एच और आर का फॉर्मूला मुझे पता था, दोनों फॉर्मूला को डिवाइड कर दिया, जिसमें आर की वैल्यू जो आप निकाल चुके वो पुट कर दी, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा बचता है वो टेंजेंट थीटा होता है, और टेंजेंट थीटा की भी वैल्यू पुट कर दी, तो आपके पास एच का आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिर्फ एच ही बचा. ऐसे ही सिमिलरली आप टाइम
जो है टी निकाल सकते हैं। टी आपके पास क्या होता है, टू यू साइन थीटा बाय में जी, ठीक है। अब आप यू भी निकाल चुके हो और आप साइन थीटा भी निकाल सकते हो। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। आप सारी चीजें इसमें पुट करेंगे तो आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट भी आ जाएगा। सो आपको कराने का ये क्वेश्चन क्या मतलब है कि आप समझो कि इक्वेशंस को कंपेयर करके आपको एच टी आर थीटा यू ये सब निकालने को पूछ सकते हैं। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, सो जो इक्वेशन आपको इजी लगे, जैसे मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था एक्स टेंजेंट थीटा इनटू में 1 माइनस एक्स बाय आर, सो इसमें सीधा दिखाई देता है टेंजेंट थीटा यहाँ पर ए बन जाता है और आर यहाँ पर ए बाय बी बन जाता है। फिर मेरे पास फॉर्मूले पता थे, फॉर्मूलों के साथ हम थोड़ा बहुत खेल सकते हैं, उनको डिवाइड करके मेरे पास एक आंसर आ गया। फिर दूसरी फॉर्म को देख के मैं समझ गई कि यहाँ पर यू स्क्वायर था, सो वहां से मैंने कंपेयर किया तो मेरे पास यू भी आ गया। और ऐसे ही आप टी निकाल सकते हो। कर लोगे अभी सभी? यस मैम। चलिए अब हम आगे चलते हैं बेटा। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हो गया है, इससे रिलेटेड कैसे सवाल पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बताए हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए। अब जो नेक्स्ट आता है आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन में, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट, ठीक है, उसके तीन केसेस आपके पास बनते हैं। पहला, जैसे थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी यू फ्रॉम हाइट, मान लो यहां से आपने इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे थ्रो किया है तो ये कैसे जाएगा, समथिंग लाइक दिस। अब मुझे बताओ यहां पर यू एक्स कुछ ना कुछ होगा या नहीं होगा, ux आपके पास जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, मैंने हॉरिजॉन्टली फेंका है, ux होगा या नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बताओ, कोई वेलोसिटी होगी ना, वही आपके, मान लो मैंने हॉरिजॉन्टली ही 5 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया तो मेरे पास ux क्या है, 5 ही हो गया। वर्टिकल डायरेक्शन में होगा क्या? नो मैम, नहीं होगा। और इस जर्नी के दौरान जो जी लग रहा है वो डाउनवर्ड ही लग रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा, तो वो तो अब भी सेम रहेगा। आप कहीं पर यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो, सेम रहेगा, लेकिन वर्टिकल कॉम्पोनेंट है वो धीरे 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 बढ़ेगा और यहाँ पर हिट करेगा। यहाँ पर अगर आप रिजल्टेंट देखेंगे तो ऐसे निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली हुआ, इसको हम कई बार एस वाई ले लेते हैं, इसको हम एस एक्स ले लेते हैं, या रेंज, हमारी रेंज क्या है इसमें, यही है। ये तो हो गया आपके पास थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी यू फ्रॉम हाइट। सेकंड केस क्या है, थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी एट सम एंगल फ्रॉम हाइट, ऊपर जाकर मैंने क्या किया, यहां से इसको ऐसे थ्रो किया है, यहां पे कोई एंगल ले लिया थीटा। अब इसके पास यू एक्स भी होगा, यू कॉस थीटा, और इसके पास यू आई भी होगा, यू साइन थीटा। इसकी जर्नी कैसे रहेगी, अब कुछ ऐसे, ये पहले तो जाएगा ऊपर, ठीक है, मैक्सिमम एक यहाँ इसके विद रिस्पेक्ट टू कोई h मैक्सिमम लेगा क्योंकि इसके पास u साइन थीटा है, बट g तो अभी भी डाउनवर्ड लग रहा है, धीरे 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 जाकर कहीं पर जीरो होगा, देन इट विल स्टार्ट इट्स डाउनवर्ड मोशन। क्लियर है सबको? तो आपके पास कुछ ऐसे जर्नी रहेगी इसकी, इसे स्ट्राइक करेगा u cos थीटा, अब भी सेम रहेगा हमारे पास, ठीक है। और लास्ट आपके पास क्या, डाउनवर्ड एट सम एंगल फ्रॉम सर्टेन हाइट, डाउनवर्ड भी तो हम फेंक सकते हैं ना, मान लीजिए मैंने ऐसे फेंक दिया इसको, ये मेरे पास हाइट है और यहाँ इस तरह फेंक दिया हॉरिजॉन्टल के साथ, यहाँ अब एंगल कुछ बन रहा होगा, तो ऐसे ही सेम आप कॉम्पोनेंट लेंगे, इधर क्या आएगा यू एक्स दैट इज यू कॉस थीटा, और एक आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में यू साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। जर्नी कुछ ऐसे ही रहेगी इसकी, समथिंग लाइक दिस। तो ये भी आपके पास पैराबोलिक कर्व ही है, यहाँ पर भी यू एक्स सेम है और यू साइन थीटा पहले ही था और अब जी की वजह से और थोड़ा इंक्रीज होगा, जब वो हिट करेगा वहां तक थोड़ा और इंक्रीज जाएगा। सारे केसेस सबको समझ में आए, बोलिए। यस मैम। चलिए फिर हम चलते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। जैसे फर्स्ट है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच ग्राउंड, आपको 2 मिनट मिलते हैं इस क्वेश्चन को खींचे बेटा, जब वो ग्राउंड पर पहुंचेगा उसके लिए आपको निकालना है कितना टाइम लगेगा। ट्राई कीजिए सभी, अभी सारे केसेस मैंने आपको बता दिए, देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या है,
और इक्वेशंस ऑफ मोशन आपके पास है, क्योंकि जी अभी भी कांस्टेंट है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंदर हम वो तीनों इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं। करो एक बार कोशिश। 0.5 सेकंड मैम। 0.5 तो नहीं आएगा बेटा, दोबारा ट्राई कीजिए। मैम 2 सेकंड। 2 शायद 2 भी नहीं है, लेट मी सी। यस 2 सेकंड्स, बाकी भी ट्राई कीजिए एक बार। कैसे किया गौरी सवाल? हेल्प योर फ्रेंड्स। मैम इक्वेशन, मोशन ऑफ इक्वेशन यूज करके किया है। कौन सी यूज की? S is equals to ut plus half a t square. Yes, great. गौरी ने यूज किया है S equals to ut plus में half a t square. कौन सी डायरेक्शन में यूज करें, x में कि y में? मैम y में। y में कर लेते हैं, y डायरेक्शन मोशन कंसिडर कीजिए, uy ay. So sy जब वो हिट करेगा बेटा, उसने वर्टिकली कितना मोशन, कितना जो है डिस्प्लेसमेंट लिया है, 20 मीटर दे रखा है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं -20। यू आई क्या है? +5 0 0 वो आपको जो दे रखा है, दिस इज यू एक्स ना, सीधा ऐसे ओरिजोनटली फेंका, यू आई तो कोई कॉम्पोनेंट ही नहीं है, तो आपके पास ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हाफ। ए वाई कितना आएगा, माइनस में 10 इंटू में टी स्क्वायर, सो माइनस से माइनस गया, जीरो से ये जीरो गया, सो टी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आया, 4, यानी टी आया आपके पास +-2 सेकंड, और नेगेटिव टाइम होता नहीं है, तो आंसर कितना हो गया, 2 सेकंड। क्लियर है सबको, समझ आया? नेक्स्ट पार्ट कीजिए फिर। इसी क्वेश्चन में आपको निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी कि ये रेंज आपके पास, ये निकालना है आपको, कैसे करेंगे कीजिए। मैम 10 10 ओके, बाकी भी ट्राई कीजिए, गौरी ने सही निकाला है नहीं बताइए। आपको जब भी न्यूमेरिकल्स मिलते हैं ना, आई नो बहुत बच्चों को आलस भी आता होगा, ठीक है, डर भी लगता है, अप्रोच समझ में नहीं आती, कैसे करें, कहां से करें, क्या कंपोनेंट, कैसे, कौन सी इक्वेशन, बट ट्राई कीजिए। अभी इनिशियली आपको मे बी थोड़ा डिफिकल्टी होती है, बट धीरे धीरे आप ऐसे क्वेश्चंस दोबारा देखेंगे ना, तो दिक्कत नहीं आएगी। जैसे एक प्रीति का आया -10, प्लस आएगा, माइनस आएगा, कौन से डायरेक्शन में आएगा, क्या एंगल आएगा, सो बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में होते हैं, ठीक है। सो कोशिश करो एक बार, +10 आएगा या -10 आएगा गौरी? मैम +10 प्लस। So, ये आपके वैसे रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है, बट जनरली हम लोग इस तरफ के मोशंस को पॉजिटिव लेते हैं और इस तरफ के मोशंस को नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। ओरिजिन से राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, ओरिजिन से पीछे नेगेटिव। तो शुरुआत में दिक्कत लगती है, बट जैसे ही आप आंसर्स आपके मैच करने लग जाएंगे ना, मान लो आपके मेरे साथ ऐसे होता था कि पूरी एक्सरसाइज है, जैसे प्रदीप भी मैंने की हुई है, मैंने एच सी वर्मा भी की हुई है, तो उनके अंदर कोई मेरा आंसर मैच कर जाता था ना, तो कॉन्फिडेंस आसमान छूने लग जाते हैं, ठीक है। फिर तो ये होता है कि अब तो उखाड़ देंगे, मतलब बिल्कुल पूरा सब कर देंगे, ठीक है। नहीं मैच करे पहले ही दो सवाल, तो यूं हो जाता है लाइक फिजिक्स तो आती ही नहीं है। ऐसे आप लोगों के साथ होता है,
कुछ आता ही नहीं है, पता नहीं दिमाग नहीं चल रहा, कहीं गलत तो सब्जेक्ट नहीं yes, ले, ऐसे ही होता है, मतलब यू डाउट हो जाता है कि कहीं गलत तो नहीं ले लिया है, क्या पता मुझसे हुई नहीं है। लेकिन देखो अभी हम फिजिक्स में हैं, ऐसे डर से हम भी गुजरे हैं, ठीक है, तो डरा मत किया करो, फेस करो उसको, नहीं निकलेगा, दिस इज नॉर्मल, नहीं निकलते सवाल पहली बारी में, दूसरी बारी में, तीसरी बारी में, हो सकता है पेपर में भी नहीं निकले, बट जब आप फाइनल पेपर में अपियर होगे नीट में, वहां पर आपके सवाल प्रैक्टिस करते रहोगे तो जरूर निकलेंगे। मैम ऐसा लगता है जैसे अब तो फिजिक्स होगी नहीं, कुछ आता ही नहीं है फिजिक्स में। नहीं बेटा, प्रैक्टिस करते रहो, फिजिक्स एक आप बोल रहे ना, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ याद कर लिया हमने, फिजिक्स याद करने से नहीं आती, कॉन्सेप्ट समझने से आएगी, फिर हम उसको अप्लाई करते हैं, फिर हम प्रैक्टिस करते हैं, बहुत तरीके के सवाल होते हैं, बहुत तरीकों से हम सवाल को कर सकते हैं, सो प्रैक्टिस और टाइम के साथ बनती है फिजिक्स, एक दिन में नहीं आती। आज प्रोजेक्टाइल पढ़ा है, आई थिंक थर्ड या फोर्थ लेक्चर हो गया है प्रोजेक्टाइल का, और फिर आपने भी शायद उसके ऊपर 3 से 4 घंटे काम कर रखा होगा, फिर आपको वो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये तो कर लेंगे कैसे ना कैसे, मतलब मान लो सवाल नहीं भी निकलता बाद में भी, बट एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर वो डर नहीं लगता सवाल ना निकलने का, ठीक है। तो कोशिश क्या करो, अब जैसे यहाँ पर हम करें, आपको रेंज निकालनी है, रेंज निकालने के लिए आपको सीधा ये देखिए कि क्या मेरे पास वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कोई कॉम्पोनेंट है, आपको पता है इस डायरेक्शन में जो कॉम्पोनेंट होगा वो कॉन्स्टेंट होगा, वो चेंज होता नहीं, और आपका जो इनिशियली इसी डायरेक्शन में जो है आपको वैल्यू गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड ही इधर रहेगी, इधर भी 5 रहेगी, इधर भी 5 रहेगी, और ये पूरा जो जर्नी है इसके लिए मेरे पास कांस्टेंट स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। जब कांस्टेंट स्पीड होती है तो हम सीधा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा देते हैं। अब जब उसने पूरा मोशन लिया, जैसे ये आंसर जो बताया था गौरी ने 2 सेकेंड, तो इसने क्या बताया कि यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा है, उतने ही टाइम में तो ये रेंज आएगी, यानी इस टाइम को मैं ले सकती हूँ ना, अब स्पीड क्या है मेरे पास 5 और टी क्या है मेरे पास 2, कितना हो गया 10 मीटर, तो ये आपके पास रेंज हो जाएगी 10 मीटर। समझ में आया सबको, बोलिए कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, अगर आपको ये भी समझ आया तो आप ये भी तो लगा सकते हो, SX equals to UXT plus में half AXT square लगा दो, AX है ही 0, यही तो बनेगा सेम। अब नेक्स्ट इसका सवाल है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। तो मैं यहाँ पर दोबारा बना देती हूँ, ये 20 मीटर था, इधर आपने इसको 5 मीटर पर सेकेंड दिया है, और इसकी जो जर्नी है कुछ ऐसे है, ये रेंज आप निकाल चुके 10 और टाइम आप निकाल चुके 2 सेकेंड। अब निकालें फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड को हिट कर रही है, तो कैसे हिट करेगी, कुछ ऐसे ही जाएगी ना, मान लो अगर मैं इसको देखूं समथिंग लाइक दिस, ऐसे ही जाएगी, तो जब भी आपको ऐसे दिख रही है, अब इसका कुछ हाथ पैर नहीं दिखाई दे रहा मुझे, अब इसको कैसे निकालें, तो आप इसके कंपोनेंट कर लो, कंपोनेंट कर सकते हैं ना, मान लो ये आपके पास फाइनली v है, मुझे v वेलोसिटी मतलब वेक्टर निकालना, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, वी एक्स आई कैप प्लस में वी वाई जे कैप, लिख सकती हूँ मैं, ऐसे देख के समझ में नहीं आ रहा आप इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, ये तो होगा आपके पास वी एक्स और ये होगा आपके पास वी वाई, ठीक है। अब वी एक्स आपको पता है ऑलरेडी कितना है, 5 है, कांस्टेंट है वो, यहां जब हिट करेगा तो भी vx, और जो इनिशियली आपका ये है, ये आपके पास ux है, मान लो सेम रहेगा। अब vy निकालना पड़ेगा, vy निकालने के लिए मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकती हूँ, v इज इक्वल टू u प्लस at का, और y डायरेक्शन में मोशन कंसिडर कर लीजिए, uy है ही 0, vy मुझे निकालना है, ठीक है। ay मेरे पास कितना है, माइनस में 10, और t कितना है मेरे पास 2 सेकेंड, यही होगा, ये आपके पास आ जाएगा माइनस ट्वेंटी जे क्या, क्लियर है सबको, देख लीजिए ये समझ में आनी चाहिए चीजें आपको, कि आपके कॉम्पोनेंट्स कैसे आए हैं, यहाँ पे साइन समझ में आना चाहिए, साइन कन्वेंशन समझ में आनी चाहिए।
अब अगला सवाल है, फाइंड एंगल विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, कितना एंगल पे वो हिट कर रही है। सो लेट अस सपोज कि विद ग्राउंड उसने थीटा एंगल बना रखा है। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं आपको, ये आपके पास है वी एक्स और ये आपके पास है वी वाई, और इनका कुछ रिजल्टेंट है जो आपने लिखा हुआ है वहां पर वी। मान लो ये आपके पास हो गया वी, और ये एंगल आपको निकालना है। तो पहले भी आपको सिखाया था, इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर लो, इस वी वाई को आप यहां भी दिखा सकते हो, ठीक है। सो टेंजेंट थीटा कितना होगा बेटा, पी बाय बी। अब ये आपका बेस हो जाएगा वी एक्स, उसके लिए परपेंडिकुलर होता है सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड। तो ये हो जाएगा आपके पास वी वाई बाय में वी एक्स। तो वी वाई आप ऑलरेडी निकाल चुके, कितना था 20, और वी एक्स कितना है 5, कितना आ गया आपके पास 4। तो थीटा कितना होगा 4, टेंजेंट इनवर्स 4। क्लियर है सबको, समझ में आया? बहुत डिटेल में मैं आपको एक एक पॉइंट और एक एक पार्ट खोल के बता रही हूँ यहाँ पे। इन्हीं चीजों को आपको डील करना है जो आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, ऐसे ऐसे ही आपको सवाल मिलेंगे, नीट में बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं आते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इनिशियल वेलोसिटी है आपके पास 30, ठीक है। फाइंड टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, यहाँ पर टाइम कितना लगेगा। यहाँ मान लो ये वी एक्स है, ये वी वाई है, ये कुछ वी आएगा, एट सम एंगल थीटा, यहाँ 30 पर फेंका गया इसको। सो ये 20 मीटर है। अब ये सेकंड केस है कि आपने हाइट पर जाकर किसी एंगल पे फेंका है उसको। टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड 2 मिनट है, सॉल्व कीजिए जरा। आयुष, नेट नेट का इशू हो रहा है बेटा। मैम नेटवर्क इशू की वजह से। नहीं हो रहा, चलो कोशिश करते हैं। मैं कोशिश करूं? देखिए सबसे पहले तो इसके कंपोनेंट कर लीजिए। आपको पहला कंपोनेंट दिखाई देगा इधर, यू एक्स कितना होगा 30 cos 30 डिग्री, राइट। और इधर आपके पास कितना आएगा यू वाई 30 साइन 30 डिग्री, करेक्ट। अब आप बताइए 30 cos 30 कितना होता है, रूट 3 बाय 2, कितना हो गया ये 15 रूट 3। इसको बताइए कितना होगा, साइन 30 होता है 1 बाय 2, ये हो जाएगा 15। तो इसको हम साइड में लिख लेते हैं, यू एक्स मेरे पास आ गया 15 रूट 3 और यू वाई आ गया मेरे पास 15। तो ये जो UI 15 है ये रिस्पॉन्सिबल है उसको ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है। और जो UX होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हॉरिजॉन्टली आगे जो जा रहा है डिस्टेंस उसके लिए। जब ये दोनों मिलते हैं तो ये पाथ बनता है इस तरह। सो अब हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर मोशन इन Y डायरेक्शन। Y डायरेक्शन में मोशन ही कंसिडर कर लीजिए। सो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है S इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। गौरी का आंसर आया 4 सेकेंड, यस बिल्कुल सही है बेटा। सो वाई डायरेक्शन में हमने मोशन कंसिडर किया तो हमें सारे वाई कॉम्पोनेंट्स लेने हैं,
आपको पहले भी बताया था एक्स और वाई को आप इंडिपेंडेंटली स्टडी कर सकते हो, दोनों एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते, ठीक है। और ये इक्वेशन की खास बात क्या होती है, इसमें जो एस वाई है ये डिस्प्लेसमेंट होते हैं, ठीक है। जैसे पीछे वाला सवाल था उसमें आपने ऐसे थ्रो किया तो ये 20 मीटर का आपने डिस्प्लेसमेंट लिया ना, जब वो यहां से यहां पहुंचा है। अब आप ऐसे थ्रो कीजिए तो ये यहां से यहां पहुंच रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट अब भी जब वो वाई डायरेक्शन में हम कंसिडर कर रहे हैं अभी भी तो बी सी है। अब वो चाहे ऐसे जाए पर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में आप देखेंगे कि वर्टिकली कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो आपके पास ये है। वो आप इक्वेशन में इसमें हमेशा ध्यान रखिए बेटा, ये आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब जर्नी चाहे आपके पास कैसे ही हो, आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट को देखो, उनके बीच में वर्टिकली कितना डिस्प्लेसमेंट है, 20 मीटर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, -20, दिस इज इक्वल टू यू आई कितना मेरे पास 15 टी निकालना है, प्लस में हाफ ए वाई कितना मेरे पास -10 इंटू टी स्क्वायर। सो 2 1 5 5 1 5 3 5 4 -4 दिस इज इक्वल टू 3t माइनस टी स्क्वायर। तो अगर इसको इक्वेशन को मैं लिखूं टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 इक्वल्स टू 0, इसके आप रूट्स निकालेंगे, इसके क्या आएंगे फैक्टर्स, वॉरी आप इसको कैसे लिखेंगे मैम, टी माइनस 1 और टी सॉरी मैम टी प्लस 1 और टी माइनस 4। यस, आप इसको खोलिए टी स्क्वायर, आप इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 3t को क्या लिख सकते हैं, मतलब हमें क्या चाहिए होता है कि जो आप फैक्टर्स बनाते हो उनका प्रोडक्ट तो 4 बन जाए, उनका सम ये बनना चाहिए। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, क्या लिख सकती हूँ मैं, माइनस 4t माइनस टी माइनस 4, सही लिखा है, ये ऐसे कर लो प्लस टी इक्वल्स टू 0। अब देखो माइनस 14 इंटू टी माइनस 4 इंटू 1, प्रोडक्ट तो आपके पास माइनस 4 बन रहा है, माइनस 4 प्लस 1 आपके पास क्या बन रहा है माइनस 3। तो यहां से आप कॉमन लेंगे, टी कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, टी माइनस में 4, इधर से प्लस 1 ही कॉमन आएगा, ये आएगा टी माइनस में 4 इक्वल्स टू 0। सो आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा, यहां मैं लिख रही हूँ बेटा टी माइनस 4, टी माइनस 4 दोनों में से कॉमन आएगा इंटू टी टी प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। आप दोनों में से इन दोनों को आप क्या करेंगे, 0 से कंपेयर करेंगे तो एक आपके पास आएगा टी इक्वल टू 4 एंड टी इक्वल्स टू माइनस 1 और माइनस 1 पॉसिबल, नेगेटिव टाइम हम लेते नहीं, और ये आपके पास क्या आएगा 4 सेकेंड आपका आंसर आ गया। क्लियर है सबको? प्रीति? हाँ जी मैम। ओके चलिए इसी का आप नेक्स्ट सवाल कीजिए, फाइंड वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। सेम सवाल है, यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, ये 20 मीटर है, ऐसे कुछ आपने थ्रो किया है, यूएक्स कितना आया था 15√3, यूवाई कितना आया था 50, ठीक है। आपने एक यहाँ यूवाई निकाल लिया था, एक यूएक्स निकाल लिया था, और ऐसे कुछ जर्नी थी, इस जर्नी का आपने टाइम निकाल लिया, कितना टाइम आया है 4 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकाल लिया। अब इन्होंने पूछा फाइंड द वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड को हिट करेगा, सपोज आपके पास ये ऐसे हिट कर रहा है, सो वर्टिकल नहीं है, थोड़ा सा इसको सही बनाते हैं, अरे मेरी ड्राइंग इतनी खराब हो गई है, सर्दियां होने लगी, अब हाथ पैर चलने बंद हो गए हैं, आज वैसे ठंड हो गई है ना, दिल्ली में कैसा मौसम है बेटा? मैम ठंडी है, ठंड है ना, पोल्यूशन का क्या हाल है? पोल्यूशन भी है। ओके, कुछ कम हुआ वैसे, आपकी छुट्टियां पोल्यूशन की वजह से ही करी है इन्होंने। Yes, अगर इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाऊं आपको, एक इधर आ रहा है जब वो हिट कर रहा है, एक कंपोनेंट Vx, एक कंपोनेंट आ रहा है आपके पास Vy, और ये इनका रिजल्टेंट हो गया जो आपको निकालना है, V निकालना है बेटा, तो V को आप क्या लिख सकते हो, Vx i cap मैम, V
प्लस वी आई जे कैप, राइट। अब वी एक्स और वी वाई बता दो, वी एक्स कितना होगा, ये तो इजी है, कितना होगा? 15√3 आई कैप। और वी वाई आप उसी फॉर्मूले से निकाल के बताओ कितना आएगा, आपने क्या किया, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस में ए वाई टी। सो वी वाई आपको निकालना था, यू वाई मेरे पास कितना है, 15√3। डाउनवर्ड ऐसे है, तो आपके पास ये आया -25 j कैप। अच्छा मैं यहाँ पर आपसे ये पूछ लू की स्पीड कितनी होगी, तो आप कैसे करोगे? अगर मैं स्पीड पूछू तो स्पीड हम ऐसे दिखाते हैं, Vx square जो भी आया है प्लस में Vy square, ऐसे निकालते हैं, दिस इज स्पीड। क्लियर है सबको, थम्स अप कर दीजिए अगर क्लियर है तो। चलिए इसी का नेक्स्ट पार्ट है, फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज। अब उसने रेंज क्या लिया है, सेम आप डायग्राम देख सकते हो यहाँ से, इसको आपको ये निकालना है रेंज कितना होगा, फटाफट बता दो, बहुत ईजी है। कितना आएगा मैम? 60√3। यस, यूएक्स आपके पास सेम है, ठीक है, यूएक्स सेम चल रहा है ना, तो वो आप कांस्टेंट वेलोसिटी ले सकते हैं, और आप लगा सकते हो सिंपली ये भी लगा सकते हो, एसएक्स इक्वल्स टू यूएक्स टी प्लस में हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आपको पता है ए एक्स है ही नहीं, यूएक्स इंटू टी, यूएक्स आपके पास आया था कितना, 15√3 इंटू में टी कितना है, 4, 15 × 4 60√3। क्लियर है सबको? यस मैम। ये आपका आंसर है। यस मैम। डन, आगे चले। अब दोनों दो चीज तो मैंने करा दी, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था होमवर्क, दिया है होमवर्क में, वो आप डील करेंगे, जिसमें आपने उसको कुछ ऐसे फेंका होगा विद सम वेलोसिटी यू, और आपको कोई एंगल दिया होगा, और उसमें ये सारी चीजें निकालनी है सेम टू सेम, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे, वो आप खुद ट्राई करेंगे। अब नेक्स्ट आपके पास आता है प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। सो इंक्लाइंड प्लेन पे अगर मुझे समझना है तो कैसे करेंगे, तो पहले तो इंक्लाइंड प्लेन चाहिए, ये हो गया मेरा इंक्लाइंड प्लेन सम एंगल थीटा पर, और यहां पर आपने कुछ थ्रो किया गया है यू, प्रोजेक्टाइल थ्रो किया गया है विद सम वेलोसिटी यू, और इस एंगल को हम मान लेते हैं अल्फा। अलग अलग बुक्स में इनके नेमिंग अलग अलग हो सकते हैं, पर कॉन्सेप्ट को पकड़ो क्या है, इंक्लाइन प्लेन थीटा पे, और अब इसके विद रिस्पेक्ट टू आपने अल्फा एंगल पे फेंक दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए इंक्लाइन प्लेन पिक्चर में नहीं होता, अब मैं इसको गायब कर लूं, अगर मान लो इंक्लाइन प्लेन नहीं होता तो आपके पास इनके बीच में कितना एंगल है, ये अल्फा प्लस थीटा, राइट, अल्फा प्लस थीटा प्लस थीटा, सपोज बीटा, कोई एक एंगल है बीटा, मान लो 60 डिग्री बन गया इन दोनों का सम, तो ये जो ग्राउंड के ऊपर प्रोजेक्टाइल है कुछ वैसा ही लग रहा है, सेम ही चीज तो है ना, कि भाई 60 डिग्री पे आ गया ये, अगर मैं ग्राउंड के ऊपर आप इस अब इसको समझ रहे हो तो सारी चीजें एच टी आर सब आप निकाल सकते हो यूजिंग दिस एंगल बीटा एंड यू। अब मैंने क्या किया, आपको दे दिया बीच में इंक्लाइंड प्लेन ऐसे, अब इस इंक्लाइंड प्लेन को जैसे एक्सटेंड करवा, अब आप देख रहे हो इस पार्ट को, ये वही सेम टू सेम प्रोजेक्टाइल मोशन ही है ग्राउंड वाला, लेकिन हमको अब निकालना है हाइट टी आर विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम नए एक्स और वाई एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं, ये मेरे पास एक्स हो गया और ये मेरे पास वाई हो गया, तो क्या मेरे पास जो पहले वाला प्रोजेक्टाइल मोशन था, इसको एक्स डैश वाई डैश मान लो, चलो पहले वाला प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे था मेरे पास, कुछ ऐसे, ये मेरे पास x था और ये मेरे पास y था, और इसमें मैं देख रही थी सारी चीजें, ठीक है। तो ये जो नए वाला बना, इसको मैं अगर ऐसे घुमा के नीचे रख दूं, मान लो ये मेरे पास है x डैश और ये मेरे पास है y डैश,
और इसके अंदर कुछ ऐसे स्टोरी चल रही है, और ये जो एंगल है ये कितना है, अल्फा है। तो क्या ये पहले जैसा केस ही नहीं हो गया, बस अब मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए हैं, ठीक है। तो अब विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन आप जब स्टडी कर रहे हो, आपने क्या किया है, आपने नई कोऑर्डिनेट एक्सिस लिए, उसके अंदर आप देख रहे हो क्या क्या चीजें आ रही है। अब यहां पर एक बात समझेंगे ध्यान से, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर नए वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस में ध्यान से देखिएगा, पुराने वाला तो आपको ग्रीन वाला दिख रहा है ना, इसमें अगर आप जी देखते तो जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट इसी जी को अगर मैं नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में देख रही हूं, ये मेरे पास वही जी है, लेकिन अब ये एक्स डैश के साथ वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं है सीधा, मतलब ऐसे इसको काट नहीं रहा 90 के ऊपर, यस और नो, अलग आ रहा है ना। तो मैं इसके कॉम्पोनेंट लेती हूं, मैं इसके कॉम्पोनेंट कैसे लूंगी, इस डायरेक्शन को, ये इसके साथ है 90 पे, ये वाली जो डायरेक्शन 90 पे। सो अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा ये एंगल भी क्या होता है, आपने जरूर किया होगा ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, कि अगर आपके पास कुछ भी मान लो वेट है, ऐसे वेट लिया था ना आप लोगों ने, ये mg इसका नीचे होता है, ये एंगल थीटा होता है, सो हम लोग क्या लेते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। सो ये एंगल भी आपके पास क्या बनता है, थीटा। इसको करने का तरीका भी क्या है, समझ लो आता कैसे है, ये आपके पास थीटा है, ये आपके पास क्या है 90 है, ये आपके पास क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा, और ये एंगल देखो पूरा कितना है 90 ही तो है, ठीक है। तो आप बताओ मुझे ये एंगल क्या होगा, इसको मैं हटा दूं, ये एंगल कितना आएगा आपका बताओ, पूरा एंगल ये 90 और उसमें एक हिस्सा आपका 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना होगा बताइए, 90 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा प्लस एक्स कर दूं, ये मान लो एक्स है, मुझे नहीं पता कितना है, एक्स प्लस 90 माइनस थीटा, भाई 90 बनना चाहिए, मैंने जो ये लिया है ये जो डायरेक्शन है ये 90 पे है, ये इसको 90 पे काट रहा है। तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो आपके पास क्या आ रहा है, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, थीटा ही तो आ रही है, 90 से 90 कैंसिल और थीटा इधर चला गया। इसका दूसरा याद करने का तरीका क्या है, आप सिंपली याद रख सकते हो कि ये डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है ये वाली लाइन, और ये डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है ये वाली लाइन, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है, इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी वही एंगल होता है। तो ये तरीका है याद करने का, अदरवाइज ये मैथमेटिक्स है कि आया कैसे। यहां तक सबको समझ में आया तो थम्स अप कर दीजिए, समझ में आया। सो अब मेरे पास जी के दो कॉम्पोनेंट्स आ गए, एक मेरे पास आ गया इधर जी कॉस थीटा, इसका जी का कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन के अलॉन्ग आ गया जी कॉस थीटा, और एक मेरे पास आ गया बेटा इधर जी साइन थीटा, आ गया कि नहीं आ गया। अरे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरा जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स डैश वाई डैश, अब वो सम एंगल थीटा पर है, तो पहले तो जी एक्स को सीधा ऐसे काट रहा था 90 पे, बट अब मेरा नए वाला जो एक्स डैश है उसको 90 पे नहीं काट रहा, तो मैंने कॉम्पोनेंट ले लिए, एक तो एक्स डैश के अलॉन्ग और एक मैंने वाई डैश के अलॉन्ग बना दिए, जो मैंने उसके परपेंडिकुलर लिया है जी कॉस थीटा, वो किसके अलॉन्ग है, वाई डैश के अलॉन्ग है। सो इनको मैं अगर यहाँ दिखाऊं, सारी चीजों को दिखाते हैं, यहाँ पर क्या आया, एक तो आपके पास आया है ये वाला जो चीज है जी कॉस थीटा, ये आएगा नीचे की तरफ, अब जी ना होकर जी कॉस थीटा है डाउनवर्ड में, और एक्स डैश के अलॉन्ग कितना है पीछे की डायरेक्शन में, जी साइन थीटा, ठीक है। और आपके पास जो दो इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स है यू के, आपके पास यू क्या है, ये यू है, इधर आपके पास क्या आएगा, यू कॉस एल्फा, और इधर आपके पास आएगा यू साइन एल्फा, ठीक है। ये डायग्राम आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, जब भी आप इंक्लाइंड प्लेन की बात करो, विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन अगर आपको चीजों को निकालना है तो ये कॉम्पोनेंट है। आप यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे, अब एक्स डायरेक्शन में हमारे पास जी साइन थीटा आ गया, वहां पर एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना था, नॉर्मल वाले में एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना था बेटा, बोलिए, आप वहां कांस्टेंट वेलोसिटी बोलते हैं ना, कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, वो आप कैसे बोल पाते हो, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, कोई फोर्स नहीं है, बट यहां पर एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गया ना, आ गया कि नहीं आ गया,
यस और नो? यस मैम, यस मैम। तो अब यहाँ पर वो कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। वो तब तक था जब तक आपके पास नॉर्मली जी आपके पास ऐसे लगता है, ये आपके पास एक्स है, ये आपके पास वाई है, बट मेरे पास अब ये एक्स डैश है, ये मेरा वाई डैश है, और यहाँ पर जो मोशन है जी, जी ऐसे आता है कुछ, तो एक कॉम्पोनेंट ऐसे लिया हमने जी कॉस थीटा, जो यहाँ पर जी वाई है, मतलब वाई डायरेक्शन में जो जी है वो आपके पास जी है, यहाँ पर वाई नया वाला जो वाई है उसमें कौन सा आया, जी कॉस थीटा, और एक आपके पास आता है पीछे जी साइन थीटा। सो टेबल में बना देती हूँ जो कि आपको याद रखना है। यहाँ पर हम टेबल लिख लेते हैं, एक्स और वाई क्या क्या कॉम्पोनेंट्स आ चुके हैं हमारे पास, ये मान लो एक्स है, ये वाई है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है नए वाले कोऑर्डिनेट में, एक्स डैश वाई डैश मान लो, एक्स वाई भी आप धीरे धीरे यूज करने लग जाओगे, एक ही बात है, बट अब हम कर रहे हैं इंक्लाइन प्लेन के हिसाब से। सो इसमें मेरे पास वेलोसिटी कितना है, यू कॉस एल्फा, इधर कितना है, यू साइन एल्फा। अब एक्सेलरेशन कितनी है वाई डायरेक्शन में, इसमें नए वाले सिस्टम में, इसमें देखो कितनी है y में माइनस जी साइन थीटा, और x में कितनी है माइनस जी कॉस, कितना है हमारे पास, हाँ यहाँ आएगा माइनस जी साइन थीटा, और y में कितना आएगा माइनस जी कॉस थीटा। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई जो स्लाइड पे मैंने लिखी है, तो फिर इंक्लाइन प्लेन में कुछ भी नहीं बचा बेटा, ये समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा है मैंने, देख लीजिए ध्यान से इसको, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो बताओ। सभी बच्चे इसको चेक करेंगे, पहले की कहानी को समझो, पहले ग्रीन में मैंने आपको एक्स वाई दिखाया, इसमें अगर हम समझते हैं तो वही टी आपके पास टू यू साइन थीटा बाय जी, एच इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी, आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, ये सब जो आपने डिस्कस किया वो सारा आपने ग्रीन वाले कोऑर्डिनेट्स में किया है, अगर आप ग्राउंड पे खड़े होकर चीजों को देखते हैं। लेकिन अगर आप इंक्लाइंड प्लेन के विद रिस्पेक्ट टू, अब देखो मैं मेरा जो ये एक्स डैश और वाई डैश है इसके अंदर मैं देखूं कि उसने कितना मैक्सिमम हाइट लिया, जैसे मैंने इसको घुमा के ऐसे रख दिया, यहाँ पर उसने कितना मैक्सिमम हाइट लिया है, यहाँ पर उसने कितना रेंज लिया है, यहाँ पर जब वो हिट करता है इंक्लाइंड प्लेन को तो उसने कितना टाइम लिया है, अलग हो जाएगा ना, ग्राउंड टू ग्राउंड से अलग हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना है वहां पर जी सीधा वाई में नीचे था, अब यहाँ पर जी के दो कॉम्पोनेंट्स आ गए, वाई में जो आपका नीचे बनता है वो बनता है माइनस जी कॉस थीटा, और एक एक्स के अलॉन्ग भी आता है नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस जी साइन थीटा। क्लियर है सबको, थम्स अप कीजिए अगर क्लियर है तो बेटा। प्रीति समझ में नहीं आया, कोमल आ गया, चलो आज के लिए हम इसको यहीं पर ड्रॉप करते हैं, ठीक है, इसके बाद हम टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्सिमम और रेंज ये डिस्कस करेंगे, इसको मैं दोबारा से आपको कराऊंगी, लेकिन आप एक बार इसको ध्यान से देखेंगे कि इसमें क्या कॉम्पोनेंट्स है, मैम क्या कहना चाह रही है, क्या एक्सेलरेशन आपके एक्स डायरेक्शन में आ गई, क्या वाई डायरेक्शन में आ गई, इसको एक बार एनालाइज कीजिएगा, 5 मिनट इस पर लगाइएगा, ये डायग्राम को समझो और ये टेबल को समझो, अगर आपको ये समझ में आता है फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है, जस्ट गो थ्रू इट वंस अगेन। अब फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, और ये सारा डिस्कस करने के बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अभी हमने किया है डाउन टू टॉप, फिर हम डिस्कस करेंगे टॉप टू डाउन और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो मुझे कोई भी एक स्टूडेंट बताइए कि आज हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, इक्वेशन, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, यस, ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल ये क्या आई थी, y इज इक्वल टू x sin थीटा माइनस g x स्क्वायर बाय 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, 2 u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ओके, दूसरा फॉर्म क्या था, x tan थीटा ब्रैकेट 1 माइनस x बाय r, ब्रैकेट 1 माइनस x बाय r, 1 बाय x 1, ये आपको दोनों याद होनी चाहिए बेटा। इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया मैम, इंक्लाइन प्लेन,
नहीं, उससे पहले भी हमने कुछ किया, इंक्लाइन प्लेन तो अभी लास्ट में डिस्कस किया, मोशन मोशन फ्रॉम हाइट, यस प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम हाइट, हाइट से आपने कोई ऑब्जेक्ट को, प्रोजेक्टाइल क्या है, ऑब्जेक्ट थ्रो किया गया और अंडर ग्रेविटी आप उसका मोशन देख रहे हैं, तो हाइट से फेंका गया तो वो तीन तरीकों से फेंका गया, हॉरिजॉन्टली फेंका गया, विद सम एंगल फेंका गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया, तो तीनों केसेस से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं, प्लस हमने क्या किया है न्यूमेरिकल, और आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है किस चीज का, लास्ट टॉपिक क्या था, इंक्लाइंड प्लेन, यस प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, जिसमें टॉप टू डाउन मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया है, जिसमें उसका डायग्राम क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, वो सब मैंने आपको बताया, जो कि आप ध्यान से पढ़ के आएंगे नेक्स्ट क्लास में, टॉपिक बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आपका जो पर्सपेक्टिव है उसको देखने का, नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसको देखना, ठीक है, उससे रिलेटेड मैंने उसमें डेरिवेशन भी डाल रखे हैं, आप उनसे भी गो थ्रू हो सकते हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे, ताकि क्लास में हम लोग जल्दी जल्दी कवर कर सके, लास्ट में आपको कुछ होमवर्क मिलेंगे, सारे के सारे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आपको 5 क्वेश्चन मिले हैं, ज्यादा नहीं है, तो इस बार सभी करके आएंगे, ठीक है, सो आज का सेशन बेटा हम यहीं तक रखेंगे, ओके?